हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिश, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज मैं जिस वेब सीरीज का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस वेब सीरीज को मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर रामकृष्ण घोष ने कहा था कि भाई इसका रिव्यू करो, तो उसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ नजीम शेख नाम का एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे एक अलग वेब सीरीज के बारे में कहा था, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आने की वजह से मैं इतने सारे वीडियोस नहीं बना पा रहा है, इतनी सारी वेब सीरीज को कवर नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी वेब सीरीज के बारे में भी रिव्यू कर दूं। लेकिन फिलहाल तो इस वेब सीरीज का आप वीडियो देखिए और ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये वन ऑफ दी बेस्ट अभी फिलहाल जितनी भी वेब सीरीज रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, तो उस पर वन ऑफ दी बेस्ट वेब सीरीज है। और अगर आप टीनेजर्स है या आप यंग हो तो आपको ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि एडल्ट्स को ये वेब सीरीज पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये वेब सीरीज खास यंगस्टर्स और जो टीनेजर्स है उन लोगों को नजर में रख के ये वेब सीरीज बनाई है, तो खासकर उन लोगों को तो ये वेब सीरीज बहुत पसंद आएगी। और पर्सनली अगर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलो तो ये एक एंटरटेनिंग वेब सीरीज है। आप फर्स्ट से 10 एपिसोड तक कहीं भी बोर नहीं होते। अगर इस वेब सीरीज से मुझे पर्सनली एक शिकायत होगी तो वो है इसकी लेंथ की, जो कि तकरीबन हर एपिसोड 45 मिनट से 50 मिनट के बीच में थोड़ा सा वो ही खटकता है। लेकिन अगर अमेरिकन वेब सीरीज के तौर पर इसे देखा जाए तो अमेरिकन वेब सीरीज के हर एपिसोड लगभग एक घंटे या 50 मिनट के तो होते ही है, तो उस हिसाब से ये वेब सीरीज की लेंथ है वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज में हमें क्या बताया गया। तो अगर कहानी की सिंपल शब्द में बताओ, कहानी ये है कि पूरी दुनिया में बायो न्यूक्लियर अटैक हुआ है, यानी कि एक हिसाब से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई है। और बेसिकली उसमें वो लोग तबाह है जो एडल्ट है, यानी कि जो 18 साल के ऊपर के लोग है वो लोग उसमें मारे गए, और जो लोग नहीं मरे वो ज़ॉम्बीज़ बन गए, और बाकी जितने भी 18 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो लोग बच चुके हैं। तो जो बच्चे बच गए वो बच्चे ने मोस्टली अपने अपने एरिया में के गैंग बना लिए, और इन बच्चों में कुछ ऐसे भी है बच्चे जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गैंग्स बना ली, जैसे कि टर्बो का ग्रुप। तो टर्बो का जो गैंग है उससे जितने भी छोटे छोटे गैंग है वो सारे के सारे डरते हैं। तो अब एंट्री होती है हमारे जो इस वेब सीरीज के जो मेन कैरेक्टर है, यानी कि जॉश के। तो यू तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जॉश मेन कैरेक्टर, लेकिन इसके अलावा हमें एंजेलिका, वेस्ली, सैम डीन और मिस क्रम्बल ऐसे बहुत से कैरेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और सबकी आपको एक अलग अलग कहानी देखने को मिलेगी। सारी की सारी कहानी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये वेब सीरीज वन ऑफ दी बेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छे और मॉडर्न तरीके से डायरेक्ट किया है। चाहे जितना भी एंगल हो, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का एंगल आप लोगों ने इससे पहले बहुत सी वेब सीरीज में देखा होगा, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट का ये भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो उसका पिक्चराइजेशन करने का तरीका है, प्रेजेंट और पास्ट को किस तरीके से लिंकअप किया, किस तरीके से हमें हर कैरेक्टर के बारे में डिटेल तरीके से बताया गया और एक कॉमेडी और एक फन तरीके से बताया, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, लव देखने को मिलेगा, इमोशंस देखने को मिलेंगे, ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी तो है ही, साथ साथ आप जोश और शैम के बीच का जो लव है वो आप महसूस कर पाओगे, विजली और टर्बो के जो बीच का कनेक्शन है वो आप फील कर पाओगे, और एंजेलिका और मिस क्रम्बल के बीच के जो बॉन्डिंग है वो आप फील कर पाओगे। यानी कि जितने भी कैरेक्टर है सबसे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाओगे, और ये वेब सीरीज आपको एक टाइम पास वेब सीरीज तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि अगर आप इस वेब सीरीज को अपना टाइम दोगे तो आपको कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। ये आपको फुल ऑन एंटरटेन करेगी, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको मजा आ जाएगा। और इतना ही बता दूं कि सीजन वन जहां पर खत्म होता वहां से आपको जो एक शॉक फील होगा, क्योंकि आप सोचोगे कि सीजन वन जहां पर खत्म हुआ सीजन टू हमें क्या बताएंगे, क्योंकि सीजन टू इसका 100% आएगा। क्योंकि जो मोड पे सीजन वन खत्म हुआ मैं खुद शॉक्ड हो गया कि ये ऐसा कैसा हो गया, लेकिन फिर भी पर्सनली ये वेब सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। और नेटफ्लिक्स पर आने वाले जितने भी कंटेंट है तो मोस्टली मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें एक मेहनत नजर आती है, और जिस तरीके से वो लोग बनाते हैं बजट वाइज सब कुछ ग्रैंड लगता है, और जो मॉडर्न टच इसमें दिया गया है वो टीनेजर्स और यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला। तो मेरे हिसाब से तो ये वेब सीरीज अच्छी है, आप लोग देखना चाहते हो उसको देख सकते हो, ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी पर भी मिल जाएगी। तो यार इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो यार इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दे, और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करोगे आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन।